हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल ग्रुप पे। तो चलिए देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं क्या आज के टॉपिक में हमारे। तो आज के टॉपिक में जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है HTTPS, HTML और HTTP में डिफरेंट, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को कि एक्चुअल होता क्या है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए, और आप इन सोशल मीडिया पे मेरे को फॉलो करते रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं क्या होता है इस वीडियो में, देखते हैं कि HTTP क्या होता है, HTML क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है HTML। अब आपको नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है HTML क्या होता है। अगर आप साइंस का स्टूडेंट है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है थोड़ा भी बहुत, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज ही पता होंगे, अदरवाइज नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए HTML क्या होता है। HTML बेसिकली, HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे मेक लैंग्वेज क्रिएटिंग वेब पेजेस। हम इसके थ्रू कोड लिख के एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। वेब पेज आज यूजली वेब ब्राउजर, जिसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, वेब ब्राउजर पर, यानी कि गूगल क्रोम हो गया, आपका मोबाइल फोन का क्रोम हो गया, या कोई भी वेब ब्राउजर हो गया, वहां पे जो चीजें यूज करते हैं वो HTML के थ्रू बनी होती है या किसी एक पर्टिकुलर बेस लैंग्वेज से बनी होती है। दे कैन इंक्लूड, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं राइटिंग, लिंक्स, पिक्चर एंड इवन साउंड एंड वीडियो ऑल्सो दैट। अगर हम बात करें HTML वर्ड बाय वर्ड बाय वेब, अगर हम HTML की बात करें तो एक www वर्ड बाय वेब कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। अब इसके हम एक एक स्टेप को देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट के, तो सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली हम क्या काम करने जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं इंटरनेट पे, ब्राउजर पे उसको चेक करते हैं, फिर उसके टैग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं राइट योर फर्स्ट HTML टैग। हमारा पहला HTML टैग क्या है, जो हम उस HTML टैग के बारे में लिखते हैं कि क्यों कौन से प्रोफाइल हम बनाने जा रहे हैं, उसका नाम देते हैं, फिल आउट द हेड, फिर हेड के अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर हम बॉडी के एक सेक्शन पार्ट क्रिएट करते हैं। जिस बॉडी के सेक्शन में हम कोई भी चीजें जो चीज बनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वो चीज बॉडी सेक्शन में करते हैं। फिर हम देखते हैं एक वेरियस टेक्स्ट स्टाइल, कि उस टेक्स्ट की स्टाइल क्या है, हम किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इटालियन, कैलिबरी या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हम जानेंगे कि वो एक्चुअली किस फॉर्म में हम इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। हमारा टेक्स्ट बोल्ड होगा, नॉन बोल्ड होगा, कैसे होगा, इन चीजों को फॉर्म में देखेंगे। फिर उसके बाद हम पैराग्राफ को डिवाइड करते हैं कि हमें कंटेंट को कहाँ से तोड़ना है, कहाँ से नहीं तोड़ना है, कहाँ पे लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, कैसे अच्छा लग रहा है, वो एक डिजाइन के ऊपर डेवलप करता है, डिपेंड करता है। तो ये रहा हमारा HTML का पार्ट। इसके बाद जो हमने बताया कि HTML के साथ साथ में हम HTTP क्यों बता रहे हैं, तो इसका भी एक लॉजिक है। जब भी आप किसी वेब ब्राउजर पे ओपन करते होंगे, किसी भी गूगल और क्रोम पे, कोई भी वेबसाइट लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ओपन करते होंगे, तो उसके जस्ट बगल में जहाँ पे आप टाइप करते हैं www.a2z.com, सपोज कोई भी वेबसाइट आपके मन में या आपके खुद की कोई है, तो आप वहां टाइप करते हो तो उसके जस्ट बगल में ही लिखा होता है www.http, फिर www लिखा होता है, मतलब सबसे पहले लिखा होगा http, फिर www, फिर आपकी वेबसाइट का जो भी नेम होगा वो लिखा होगा .com, .in, .net, .org, .info। तो उस http का मतलब क्या होता है, उस http का मतलब होता है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स एंड एप्लीकेशन लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स। बेसिकली जो भी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ सिक्योरिटी होती है कि आपकी वेबसाइट हैक ना हो, या आपकी वेबसाइट को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, या आपकी वेबसाइट को कोई टच ना कर पाए, एक कोलैबोरेटिव डिस्ट्रक्टिव हाइपरमीडिया का इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल से, आपके सिस्टम से कोई चुरा ना पाए आपकी वेबसाइट से, इन चीजों के यूज करने के लिए हम HTTP 1.0 इन ऑर्डर टू इंश्योर रिलायबल का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है हाइपरटेक्स्ट मींस द डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम इसके थ्रू प्रोटोकॉल्स को भी ट्रांसफर करते हैं। HTTP इज द अंडरलाइन प्रोटोकॉल, जो कि किसी के अंडर से वर्क करता है, किसके अंडर से, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि किसके, www इज द प्रोटोकॉल्स डिफाइन, जो इस प्रोटोकॉल्स को www डिफाइन करता है, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्मेटेड। HTTP टेक द वेल नोन एज द अंडरस्टूड ऑफ HTTP प्रोटोकॉल्स। HTTP जो भी लेता है वो एक HTTP से प्रोटोकॉल से सिंपली वेरीफाई करता है लेयर्स को, SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड TLS
header refer to simply add SSL encrypt layer on top of it server the clients and speak to exactly the same HTTP as the other but over the SSL is अब मैं बताता हूँ SSL क्या होता है HTTP के साथ में आप SSL certification होता है जैसे हम SSL कहते हैं secure socket layer जो कि आपके web को secure करता है TLS होता है एक transaction layer security होती है जो कि किसी भी चीज को refer नहीं करती और वो भी overall work करता है SSL के साथ में तो ये हमारा था पार्ट HTTP अब जो मेन चीज आता है वो होता है हमारा HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर अब ये एक्चुअली होता क्या है दिस इज द पार्ट ऑफ HTTP ये जस्ट अपर लेवल पार्ट ऑफ HTTPS HTTP और HTTPS में बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है HTTP जो होता है नॉर्मल लेवल पे थोड़ा सा वर्क कर जाता है और HTTP 2 इट्स अ वेरी हाई लेवल Like that कि अगर जैसे कि आप use कर रहे हैं HTTP का certification लेना पड़ता है Google से authenticate कराना पड़ता है certification कराना पड़ता है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं वो Google की responsibility होती है कि आपकी website को secure रखे वो तो क्या होता है there are many benefits तो upgrading to HTTPS में बहुत सारे फायदे होते हैं अगर हम HTTPS को upgrade कर जाते हैं क्योंकि including the better search engine हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है Google search में और लिस्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है यू विल बी आल्सो विल मोर फंक्शनैलिटी इन वेब ब्राउजर कुछ भी आपसे रिलेटेड टाइप होता तो सपोज आपकी वेबसाइट थोड़ा अपर लेवल पे जल्दी आने की कोशिश करने लगती है इन चीजों में प्रॉफिट हो जाता है HTTPS इज द वन ऑफ थ्री कोर रिक्वायरमेंट परफेक्ट वेब एप्स इसकी मेन थ्री रिक्वायरमेंट्स होती है मैं बताऊंगा आपको उससे पहले ये जानते हैं कि HTTPS आल्सो रिक्वायर टू अनब्लॉक मॉडर्न सबसे पहले किसको रिक्वायर करता है अनब्लॉक मॉडर्न को रिक्वायर करता है ब्राउजर फीचर्स लाइक सर्विस वर्क्स एंड हार्डवेयर एपीआईज लाइक वेब ब्राउजर एंड ब्लूटूथ एक्सेस HTTP के थ्रू हम इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं अब देखें कैसे HTTP और SSL वर्क करता है आखिर दोनों का मेन डिफरेंस है SSL और HTTP क्योंकि दोनों में कॉम्बिनेशन तो काफी अच्छा चल रहा है HTTPS और SSL में तो जानते हैं एक्चुअली होता क्या HTTPS इज द सिक्योर फॉर्म ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल HTTPS is the secure form of the HTTP protocols. It wrap an encrypt layer around HTTP transport layer security layer. यानी TLS जो होता है वो transport layer security जो मैंने अभी पीछे बता चुका हूँ मैं इसे client server पे client जो होता है वहाँ पे communicate करता है HTTP की over on behalf क्योंकि secure because the TLS wrapper The primary reason of why SSL is used, अगर हम primary level की बात करें कि हम SSL क्यों use करें, why we use to SSL? Keep sensitive information sent to across the internet, वो बहुत ही sensitive information को वो send करता है across the internet, encrypt data, जब भी कोई data को encrypt कराता है, this is the main purpose of use to SSL, encrypt so that only encrypted the recipient can access it, जिसको हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं दैट इज नो मोर वन इट इज सफिशियंट फ्रॉम लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू HTTPS और SSL इससे ज्यादा अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं आपको दूसरा वीडियो बनाकर उसमें दिखा दूंगा आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है अब अगला टॉपिक मैं लेके बहुत जल्दी आप लोगों के पास आऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर जैसे कि OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल नेटवर्क स्ट्रक्चर मेमोरी कार्ड से रिलेटेड छोटे छोटे गैजेट से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे आप वहां से जाके देख सकते हैं लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए कमेंट में बताते रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच